इंडियन आइडल सीजन 13 से एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन भाई ये क्या यहाँ पर ऋषि और काव्या को डाल दिया है बॉटम थ्री में। अरे भाई वो तो टॉप थ्री में आने वाले लोग हैं, कंटेस्टेंट है, ऐसे में उन्हें बॉटम थ्री में कैसे डाल देते हैं। और पिछली बार भी आपने देखा कि चिराग को डाल देते हैं, लेकिन इस बार चिराग है नंबर वन की पोजिशन लेके बैठे हैं, इसलिए उन्हें बॉटम थ्री में नहीं डाला गया। लेकिन ऋषि सिंह को डाला गया, काव्या को डाला गया, आखिर इसके पीछे पूरा कारण क्या है, चलिए आपको रीजन बताते हैं। लेकिन हमने आपको जो कुछ दिन पहले अपडेट दी थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुष्का पात्रा है वो एलिमिनेट हो जाएगी, हमारी वो अपडेट है बिल्कुल सही साबित हुई है और अनुष्का पात्रा है वो एलिमिनेट हो चुकी है। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। अच्छा, यहाँ पर ऋषि और काव्या को लाया गया है बॉटम थ्री में, और कहीं ना कहीं ये सब किया जाता है सस्पेंस बनाने के लिए। और सबसे मेन कारण है कि जिसको कम वोट मिल रहे हैं, अगर उन तीनों को ही बॉटम थ्री में लाया जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता समझ जाएगी कि अगले हफ्ते कौन एलिमिनेट होने वाला है, समझ रहे हो। मतलब नवदीप, अनुष्का और सोनाक्षी थी, ये तीनों बॉटम थ्री में थे। अगर तीनों को सामने खड़ा किया जाता तो सभी समझ जाते कि अगले हफ्ते वो नवदीप और सोनाक्षी में से कोई एक एलिमिनेट हो सकता है। तो ऐसे में सस्पेंस बनाने के लिए यहाँ पर ऋषि और काव्या को लाया गया, ताकि लोग सोचें कि अगली बार इन दोनों में से कोई एलिमिनेट ना हो जाए, इसलिए अगले एपिसोड की टीआरपी भी अच्छी आएगी। तो बस यही सस्पेंस क्रिएट करने के लिए इनको बॉटम थ्री में लाया जाता है, यानी टॉप थ्री को बॉटम थ्री में लाया जाता है। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुष्का पात्रा है एलिमिनेट हो चुकी है, और बाकी की अपडेट आपको लगातार मिल रही है। आपके हिसाब से कौन एलिमिनेट होना चाहिए था, आज का एपिसोड कैसा लगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मिलते हैं कुछ ही देर में इंडियन आइडल सीजन 13 की नई और बड़ी अपडेट के साथ।